हेलो दोस्तों, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इग्नू के बारे में बताएंगे। इग्नू का जो एग्ज़ाम होने वाला है टर्म इंड एग्जामिनेशन 2021 में, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसके लिए असाइनमेंट कब तक जमा होगा, साथ ही दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरेंगे, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। साथ ही असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है ये चीज़ भी जमा करना होगा, क्योंकि अच्छा से असाइनमेंट जमा नहीं करके आप जमा करेंगे इग्नू में, फिर आपका मार्क्स कम मिलेगा और फेल होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। चलिए सारा डिटेल्स बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बता दूं, इग्नू से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए, क्लिक करके आप डायरेक्ट इग्नू की वेबसाइट पर पहुँच करके वहाँ से डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं। ऐसे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि कैसे वेबसाइट पर पहुँच करके जानकारी लेना है और जून टर्म एग्जामिनेशन कब होगा, असाइनमेंट कैसे जमा करेंगे, सारा डिटेल्स बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, लिंक पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा। आपको जैसे इस टाइप का पेज खुलेगा freenews.com, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब एडमिशन, गवर्नमेंट कोई योजना, किसी गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट, कोई भी प्रकार के रिजल्ट, सारा जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। जैसे आप नीचे आइएगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के सारे डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर जान सकते हैं कि इग्नू क्या है, इग्नू के बारे में आप सारा चीज़ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको ये भी यहाँ से पता चल जाएगा कि एडमिशन कैसे करें इग्नू में, अगर आपको एडमिशन करवाना है किसी न्यू कैंडिडेट का या भाई का, किसी का भी, तो एडमिशन करने के लिए प्रोसेस यहाँ पर दिया है, ये भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों नीचे आप जाएंगे इसी तरह से तो आपको यहाँ पर इग्नू के अंतर्गत कौन कौन सा कोर्स किए जाते हैं इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर जब नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से जैसे आपको इग्नू का प्रोस्पेक्टस अगर डाउनलोड करना है, कुछ पढ़ना है, दिशा निर्देश जानना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इग्नू का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इग्नू के असाइनमेंट के बारे में, असाइनमेंट क्या होता है। दोस्तों इग्नू का अगर कोर्स कर रहे हैं तो असाइनमेंट बहुत बड़ी मैटर रखता है, असाइनमेंट अच्छा से लिखा होना चाहिए, असाइनमेंट में जो टॉपिक होगा वो टॉपिक अच्छा से होना चाहिए। सबसे पहली बात है असाइनमेंट लिखने के लिए क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो असाइनमेंट लिखने के लिए आप यहाँ पर नीचे आइएगा तो वहाँ से आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कैसे डाउनलोड करना है। असाइनमेंट बनाने के लिए आपको सबसे ऊपर एक फ्रंट पेज डालना होगा, जैसे कि ये आप फ्रंट पेज देख रहे हैं, ये फ्रंट पेज आप वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये वेबसाइट का ऊपर का फ्रंट पेज है, ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपकी कॉपी चेक होने में समस्याएँ हो सकती है और आपके असाइनमेंट सही रूप से जमा नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये चीज़ हो गया, आपको अगर असाइनमेंट का क्वेश्चन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम करके दिखाते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको असाइनमेंट का सारा चीज़ यहाँ पर खुल के आ गया। आप जिस भी कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से, जैसे वो 2021 जनवरी सेशन का, तो ये सारा कोर्स यहाँ से डाउनलोड करके, जिस सब्जेक्ट का है, जैसे कि हम हिंदी का है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, आपको हिंदी का क्वेश्चन डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आपको इस तरह से PDF फाइल में खुल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर PDF खुल गया। PDF खुलने के बाद आपको जमा करना है, तो अब यहाँ पर लिखा है जुलाई 2009 और जनवरी 2010 सत्रों के लिए हम डाउनलोड करके एग्जाम्पल में दिखाए हैं। इसी तरह से आपको जिस सत्र के लिए डाउनलोड करना है अपना देख करके अपना यहाँ से डाउनलोड करें। 2021 का भी एग्ज़ाम चल रहा है तो 2021 का अपना ऊपर में ही मिल जाएगा, जनवरी 2020 और जून जनवरी 2021 तक के लिए सारा चीज़ यहाँ पर अपना देख सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ यहाँ से जानकारी मिल गया। उसके बाद आपको अगर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल का प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारा देख सकते हैं, 2019 का 2011 का जून 2011 का सारा क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड करके सारा सब्जेक्ट इसके अंदर जाइएगा, आपको मिल जाएगा हर कोर्स के लिए, और अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं, ये भी जानकारी यहाँ से मिलेगा। दोस्तों उसके बाद अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करना है वो क्या चीज़ है, एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे जमा करेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप देखिए एग्ज़ाम फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म खुल गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म आप जमा करने का लास्ट डेट 15 जून 2021 रखा गया है, विदाउट लेट फी का, आपको कोई लेट फी नहीं लगेगा। अगर लेट फी के बाद अगर आप जमा करना चाहते हैं तो फिर आपको लेट फी देना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आई हेयर बाय का क्लिक करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे नया पेज खुलेगा, नया पेज खुलने के बाद यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर डायल करेंगे। एनरोलमेंट नंबर क्लिक डालने के बाद यहाँ पर प्रोग्राम कोड यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि कोई BA किया है, BA कर रहा है तो BA डालेंगे, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। अगर आपका रीजनल सेंटर कहाँ है, जैसे कि रीजनल सेंटर किसी का
पटना होगा तो आप पटना डालेंगे, जैसे भोपाल है तो यहाँ पर भोपाल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको जो जो सब्जेक्ट में आपका एग्ज़ाम देना, वो सब्जेक्ट चूज करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फ़ी पे करने के लिए आपको 200 रुपया पर एग्ज़ाम कोर्स फ़ी करना पड़ेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट पर आपको 200 रुपया जमा करना होगा। अगर आपको 5 सब्जेक्ट है तो आपको 1000 रुपया आपको ऑनलाइन फ़ी पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ से आप एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर से जमा कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा करके यहाँ से खुद सारा चीज़ देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, इग्नू का जो असाइनमेंट जमा करना है, वो असाइनमेंट का डेट भी आपको 15 जून ही रखा गया, 15/6 तक आप असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन जमा करने के लिए आप दोस्तों इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर दिखने को मिल जाएगा कि कैसे जमा करते हैं। चलिए दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच गए। यहाँ पर पहुँचने के बाद दोस्तों नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन लिंक फॉर सबमिशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट रिजर्वेशन फील्ड वर्क जर्नलिस्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर जून 2021 सेशन के लिए 15 जून लास्ट डेट रखा गया। यहाँ से आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन जमा कर सकते हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर, जहाँ आप स्टडी सेंटर चूज किए होंगे, उस स्टडी सेंटर पर जाइए और वहाँ पर अपना जमा कर सकते हैं अपना असाइनमेंट जमा कर दीजिएगा। असाइनमेंट जमा नहीं करने पर आपका एडमिट कार्ड नहीं आ सकता। अगर एडमिट कार्ड आएगा भी तो आपका असाइनमेंट का मार्क नहीं जुटेगा। असाइनमेंट का मार्क नहीं जुटने पर आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा, वहाँ पर फेल लिखा कर आएगा, नोट कंप्लीटेड लिखा कर आएगा। तो दोस्तों आपने असाइनमेंट जमा करने का रूल देख लिया, असाइनमेंट क्वेश्चन भी डाउनलोड करने का आपने देख लिया कि कैसे डाउनलोड करेंगे, इसी लिंक में सारा चीज़ दिया हुआ है। ऐसे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, अलग अलग हम लिंक दे दिए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का, ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे, असाइनमेंट क्वेश्चन, उसके साथ ही असाइनमेंट रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, जैसे कभी रिजल्ट आ गया है रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही दोस्तों अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं प्राइवेट में तो NCS पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो कि भारत सरकार के अधीन चल रहा है। यहाँ पर सारे भारत सरकार के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और यहाँ पर सारे प्राइवेट कंपनी इत्यादि अपना रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं। तो प्राइवेट से जॉब करना चाहते हैं तो NCS पर रजिस्ट्रेशन करिए। यहाँ पर क्लिक करिएगा, क्लिक करके दिखाते हैं तो आप NCS की वेबसाइट पर पहुंच जाइएगा। देखिए यहाँ पर NCS की वेबसाइट पर पहुंचिए, यहाँ पर नीचे आइएगा। यहाँ पर नीचे आने के बाद नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में पढ़ सकते हैं, क्या है नहीं है, यहाँ पर कहाँ जॉब लगेगा, कितनी सैलरी मिलता है, सारा चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो NCS पर रजिस्ट्रेशन करा के आप जॉब पा सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप बिहार राज्य के हैं और जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जमा कर सकते हैं। फिर से दोस्तों याद रखिएगा, इग्नू का जो इस बार असाइनमेंट जमा करने का और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपको 15 जून 2021 रखा गया, उससे पहले आप आराम से जमा कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित सारे इग्नू के रिलेटेड बुक अगर लेना है, कौन सा बुक पढ़ने के बाद अच्छा मार्क्स आएगा, सही सही आंसर मिलेगा, कम समय में गाइड कौन सा पढ़ेंगे, ये सब सारी जानकारी लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको बुक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हम आपको बुक प्रिफर्ड करके बताएंगे कि कम दाम में शॉर्टकट कैसे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की सारा जानकारी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करके बता दीजिएगा। इग्नू से रिलेटेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया गया है। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों को लेकर के, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।